नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर की है। थाना क्षेत्र के निकट गांव में एक बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मकान स्वामी ने पुलिस को अवगत करा दिया है। जानकारी में मनोटा निवासी बुनियाद अली पुत्र इमामी ने बताया कि वह 31 तारीख की दोपहर को अपने मकान का ताला लगाकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। रात्रि में किसी समय चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 10 तोले सोना, 500 ग्राम चांदी व 52,000 रुपये, एक गैस सिलेंडर, बर्तन आदि लगभग 5 लाख माल साफ कर दिया। 1 फरवरी को सुबह को जब बुनियाद अपने घर वापस आया तो उसका मकान का दरवाजा खुला देखा तो वह अचंभे में पड़ गया। जब उसने मकान के अंदर प्रवेश किया तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था तथा अलमारी से 10 तोले सोना, 500 ग्राम चांदी व 52,000 रुपये गायब थे। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आपका शानाबाद, क्या मामला हुआ ये चोरी का? बैटरा चोरी, एक बैग चोरी है, एक बड़ा सिलेंडर। कितने घरों, कितनी जगह चोरी हुई है? हाँ, चोरी हुई है। इनके भी बुनियाद अली के भी चोरी हुई है और इनके भी चीज भी चोरी की बताऊँ मैं। और जी आशीन भाई के ताले तोड़ते थे हमारे भी, और जी के नाम हसन का भी ताला टूटा। मैं इनके अंदर के लोग लगे हुए थे, वो चोरी नहीं हुई। आपने तहरीर दी या नहीं दी? ये अभी तो कुछ नहीं दिया।